हेलो एवरीवन अब हम देखेंगे स्टैंडिंग इन एन ऑर्गन पाइप तो पाइप होगी आपकी दो तरीके की पहली होगी क्लोज ऑर्गन पाइप और दूसरी होगी ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप में एक एंड ओपन होता है और एक एंड क्लोज होता है जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों एंड ओपन होते हैं ठीक है अब आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्लोज ऑर्गन पाइप में एंटी नोड और नोड सेम होते हैं जितने एंटी नोड होते हैं उतने नोड होते हैं जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में एंटी नोड ज़्यादा होता है नोड के कंपैरिजन में देख सकते हैं आप डायग्राम में जैसे कि अगर ओपन ऑर्गन पाइप में दो एंटी नोड है तो नोड एक होंगे अगर चार एंटी नोड है तो नोड तीन होंगे कुछ इस तरीके से आप याद रखेंगे ठीक है तो हम स्टार्ट करेंगे पहले पॉइंट से जबकि आपको ऑलरेडी स्ट्रिंग का टॉपिक पता होना चाहिए जब अब आपको वो टॉपिक पता होगा तो ये टॉपिक कंपेरिजन में ज्यादा मजा आएगा ओके okay, तो हम कंपैरिजन के तरीके से ही पढ़ेंगे और याद रखिएगा ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये आपके स्टेट बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट बोर्ड में हर साल लगभग इस पे थेरी का चार मार्क पांच मार्क का क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल भी आता है इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है यानी आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डिफरेंस में मान लीजिएगा पाँच मार्क का एक डिफरेंस है और बाजू में भी पाँच मार्क का एक डिफरेंस है और आखिरी तक ये आपको देखना है क्योंकि आपको थेरी के साथ साथ एम भी कवर करना है तो चलिए शुरू करते हैं ओके सो सी शॉर्टकट नाम है इसका तो हम बात करेंगे इन क्लोज ऑर्गन पाइप लॉन्जीट्यूडिनल स्टेशनरी व्यवस्थ फॉर्म अब ये पाइप है तो लॉन्जीट्यूडनल स्टेशनरी व्यव मिलेगी अगर स्ट्रिंग होता तो ट्रांसफर स्टेशनरी व्यू मिलेगी हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है सो तो आप याद रखेंगे वाइवा क्वेश्चन भी है ये एम सी क्यूज भी है क्या है एम सी क्यूज ये एम सी क्यूज ये है कि स्ट्रिंग में ट्रांसफर स्टेशनरी व्यव मिलती है और पाइप में लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी व्यव मिलती है ओके पॉइंट नंबर टू ओके okay, तो ये ये पॉइंट है है आपको अच्छे से देखना है। जब भी कभी हम कोई ट्यूनिंग वाइब्रेट करते हैं ओपन एंड में पाइप के तो क्या होता है है फॉर्म होती ओपन एंड में नोड इज फॉर्म जस्ट एट क्लोज एंड आप डायग्राम को देख के पॉइंट बना सकते हैं ओके पॉइंट नंबर टू क्लोज ऑर्गन पाइप के बाद अब पढ़ेंगे ओपन ऑर्गन पाइप सो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होगी ओपन एंड में तो दो एंटीनोड ओपन एंड में दो एंटीनोड ऑब्वियसली दो ओपन एंड है तो दो एंटीनोड फॉर्म होंगे दो ओपन एंड में और नोड फॉर्म होगा ऑफ द पाइप सो व्हेन ऑर्गन पाइप वाइब्रेट टू एंटीनोड फॉर्म जस्ट अबो द टू ओपन एंड्स एंड नोड इज फॉर्म इन द दिडल ऑफ द पाइप तो इस तरीके से पॉइंट्स आपको ध्यान में आ जाएंगे आप डायग्राम को रेफर करके ये पॉइंट अच्छे से देखेंगे ठीक है और डायग्राम में ही आपको पॉइंट नंबर थ्री भी मिल जाएगा कि नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स और यहाँ पे क्या होगा ओपन ऑर्गन पाइप में नंबर ऑफ एंटी नोड इक्वल टू नंबर ऑफ नोड प्लस वन यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप में हमेशा एंटी नोड एक ज़्यादा होता है नोड से पॉइंट नंबर फोर की बात करते हैं अब पॉइंट नंबर फोर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायग्राम का रेफरेंस लेके डेरिवेशन को भी प्रूफ किया जाएगा वो भी डिफरेंस में अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी अब मैं बोलूँगा टेक्स्ट बुक ज़्यादा बेटर रहेगा अब एनसीआरटी की बुक लो या तो स्टेट बोर्ड की बुक लो सिलेबस सेम है So, चलिए शुरू करते हैं काफी है में ये नाम रहेंगे। सो so, क्या बोलेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप जब वाइब्रेट होगी अपने फंडामेंटल मोड में यानी फर्स्ट हार्मोनिक में तो एक नोड फॉर्म होगा क्लोज एंड में डायग्राम आप देख सकते हैं पहली डायग्राम एक एंटी नोड फॉर्म होगा ओपन एंड में और एक नोड फॉर्म होगा क्लोज एंड में जो कि डायग्राम में दिख रहा है तो फर्स्ट मोड का पूरा डेरिवेशन तो so so आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पाइप की पूरी लेंथ एल इक्वल टू लैमडा बाई फोर क्योंकि यहाँ पे क्रेस्ट आधा ही बना है पूरा क्रेस्ट लैमडा बाय टू होता है और आधा क्या होगा लैमडा बाय अब पूरा क्रेस्ट क्या होगा एक क्रेस्ट या तो एक पूरा ट्रप बनेगा तो लैमडा बनता है सो आधा क्रेस्ट है सो सो क्या होगा बाय बाय और उसका भी आधा ये सिंपल सी बात है आपको समझ गई होगी सो लेंथ कितनी आएगी पाइप में लैमडा बाय फोर ओके सो फर्स्ट मोड या तो फंडामेंटल मोड या तो फर्स्ट हार्मोनिक सो वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे और डेरिवेशन को डिराइव करेंगे सो वी इक्वल टू क्या होगा एनलैमडा सो so, एन की वैल्यू निकालना है हमको तो एन इक्वल टू वी बाय लैम्डा वी हमको पता चल जाएगा क्या आ जाएगा वी अंडरू टी बायम या तो वी इक्वल टू एन लैमडा सो हमको निकालना ही क्या है हमको निकालना है फिलहाल एन बाद में हम देखेंगे डिटेल में सो so, फिलहाल के लिए एन इक्वल टू क्या होगा वी अपॉन फोर एल कैसे आया लैम्डा की वैल्यू पुट की गई लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर इन एल ये हाँ, ये जो कैपिटल है ये क्या होगा स्मॉल एल प्लस ई ये प्लस ई e क्या है ये आपको डिटेल में मैं बताऊंगा थोड़ी ही देर में इस इस स्लाइड्स के बाद नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको डिटेल में बताऊंगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है सो कैपिटल एल के टर्म में अभी हम पढ़ेंगे बाद में हम एल प्लस ई को भी डिटेल में देखेंगे ओके सो so, एन इक्वल टू क्या हुआ वी अपॉन फोर एल सो कैपिटल एल की जगह पे हमने क्या डाला एल प्लस एंड है यहाँ पे एक ही ओपन एंड है तो एक एंड करेक्शन आएगा और स्मॉल e का नाम क्या होता है एंड करेक्शन सो स्मोल इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री ऑफ डायमीटर अब ये डिटेल में होगा बाद में फिलहाल के लिए अभी इतना ही सो so, आगे बढ़ेंगे सेकेंड की बात करेंगे सेकेंड मोड या तो फर्स्ट ओर टोन या तो थर्ड हारमोनी की काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको स्ट्रिंग में भी मैंने बताया था आपको लर्न रखना पड़ेगा सेकेंड मोड का ही मतलब होता है थर्ड हार्मोनिक यानि फर्स्ट और टोन अब ये लर्न करते करते हो जाएगा प्रैक्टिस से हो जाएगा सो so, फिर से वेलोसिटी क्या होगी एन लैमडा बड़ा एन एन रिपीट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा तो हम क्या करेंगे एन वन लैमडा ठीक है सो so, पहला मोड हो गया बाद में दूसरा मोड फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा मोड। तो फिलहाल के लिए v equal to N1 lambda 1 और आपको पता चल गया हमको फिर से क्या निकालना है सो एन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपोन लैमडा वन सो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको क्या मिला है क्रेस्ट और थोड़ा सा क्रेस्ट यानी अगर आप यहाँ से नोड और नोड के बीच अच्छा आपको तो मैं ऑलरेडी लर्न करवा चुका हूँ कि नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है लैमडा बाय टू और नोड एंड नोड के बीच का डिस्टेंस लैमडा बाय फोर सो चालू करेंगे नोड नोड से लैमडा बाय टू प्लस नोड एंड नोड से कितना आ जाएगा थ्री लैमडा बाय फोर तो इस तरीके से हमारी लेंथ क्या आएगी थ्री लैमडा बाय फोर अब लैमडा डबल डबल ना होते हुए हमने पहले वाले को लैमडा लिया था तो यहाँ पे हम लैमडा ले रहे हैं ठीक है सो so, इस तरीके से वैल्यू लैमडा वन की पुट कर देंगे हम और मिल जाएगा हमको एन वन इक्वल टू थ्री एन जो ये एन वन है इसे हम फर्स्ट ओर कहते हैं सिमिलरली बाजू में आपको मिलेगा एन टू जो कि आएगा सेकेंड ओटोन जैसे ही डेरिवेशन हमने ये पहला दूसरा किया है सिमिलरली ये तीसरा डेरिवेशन भी है और आपको काफी सारे डिटेल डायग्राम से और डेरिवेशन से पता चल जाएगी जिसमें मैंने सभी के नाम वेयर में पुट करके रखे हैं सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सिमिलरली हम बाजू वाले का भी देख लेते हैं ठीक है सो स्टार्ट करेंगे हम फोर्थ पॉइंट क्या होगा व्हेन ओपन ऑर्गन पाइप वाइब्रेट विथ फंडामेंटल मोड फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल मोड को ही क्या बोलते हैं हम फर्स्ट हार्मोनिक बाजू में क्या होगा टू एंटीनोड आर फॉर्म जस्ट अबो द टू ओपन एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई यहाँ पे कि कितने एंटीनोड मिल गए दो एंटीनोड मिल गए तो नोड कहाँ मिलेगा बीचो बीच में सो so, एक

कैपिटल एल फिलहाल कैपिटल एल के टर्म में पढ़ रहे हैं जिसमें आपको पता है यहां पे दो ओपन एंड है तो दो एंड करेक्शन आ जाएगा ओपन और गन सो ऑब्वियसली ओ ओ दो ओ है तो ऑब्वियसली दो ओपन है सो ट्वाइस ओके सो so, इसी तरीके से हम डेरिवेशन सेकेंड मोड करेंगे थर्ड मोड भी करेंगे तो आई होप कि आप इसको अपने आप से भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप अगर खुद से करेंगे तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएगी तो मैं बता देता हूँ कि सेकंड मोड में क्या होगा ओके okay. सो so, आपको पता है यहाँ पे कितने नोड आ गए हैं यहाँ पे एक नोड फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे करते करते कितने एंटीनोड हो गए तीन सो so, एक एंटीनोड से दूसरा एंटीनोड कितना लैमडा बाय टू फिर दूसरा एंटीनोड से तीसरा एंटीनोड कितना लैमडा बाय टू पूरा मिला के लैमडा बाय टू प्लस लैमडा बाय टू यानी क्या हो जाएगा लैमडा सो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी लैमडा सो so, हाँ. so, अरे भैया मीडियम तो सेम है ना मीडियम कहां बदल रहा है कहाँ सॉलिड लिक्विड गैस अरे ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है ये एयर में हो रहा है एक ही मीडियम में हो रहा है तो वेलॉसिटी सेम रहेगी हाँ सो वी इक्वल टू एन वन लैमडा 1. So, N1 निकालना है हमको तो डायग्राम से रेफर करेंगे करेंगे, मिल जाएगा आपको क्या मिलेगा L. पर यहां थोड़ा सा एडजस्टमेंट देख, so, so, देख सकते हैं यहाँ पे एन वन इक्वल टू टू एन पिछले इसमें भी आप देख लेते हैं तो वहाँ पे एन वन इक्वल टू थ्री एन एन टू इक्वल टू फाइव एन और यहाँ पे क्या मिल रहा है एन वन इक्वल टू टू एन बाजू में क्या मिलेगा एन टू इक्वल टू थ्री एन मैं अभी इसी कहानी पूरी डिटेल में बता देता हूं कि क्या होता है ये N1, N2 का फंडा तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? N निकाल लेंगे लेंगे बाद में एन तो में, में क्या है v upon 4L. Okay? So, आते हैं, सेकेंड मोड में एन वन कितना मिला थ्री एन सो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटे छोटे टर्म so, यहाँ पे जो एन वन है इसे फर्स्ट कहेंगे थ्री को कहेंगे थर्ड हार्मोनिक्स और एन को कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये देखो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया ही न्यूमेरिकल के लिए बताया है मैंने आपको पता है कि अगर फार्मूला चल रहा है सो थेरी में फॉर्मूला चलता है तो न्यूमेरिकल में इसके टर्म छोटे छोटे यूज़ होते हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है ओके सो बाजू में क्या है एन टू इक्वल टू फाइव एन सो हमको पता है एन टू क्या होगा सेकेंड ओ टोन और हमको पता है कि क्या होगा फाइव इन एन ये कैसे आ रहा है आप देख सकते हैं One, अब N1 equal to 3 N कैसे आ? मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक बताता हूँ वन का डबल टू प्लस वन कितना हुआ थ्री अब बाजू में आ जाओ एन टू की बात करो टू सेकेंड ओडोन तो क्या होगा टू का डबल फोर प्लस वन डबल प्लस वन करने का ठीक है अगर एन थ्री आता तो क्या बोला रहता n3 एन थ्री 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 डबल प्लस वन सिक्स प्लस वन सेवन एन थ्री इक्वल टू सेवन एन आई होप की आपको समझ गया होगा मैं एन फोर की बात करता हूँ एन फोर डबल प्लस एन फोर इक्वल टू क्या आ जाएगा नाइन एन आई होप की आपको ये टेक्निक समझ गई होगी मैथामेटिकल लॉजिक से हमने इसको सॉल्व किया है ओके सो हाँ हम वापस आते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप में ही सो एन वन का नाम है फर्स्ट ओर टून इक्वल टू थ्री जो थ्री है ये तीसरा हारमोनिक है ठीक है और एन क्या है फंडामेंटल मतलब फ्रिक्वेंसी है. है? और यहां पे N2 की बात हो रही है फिफ्थ हार्मोनिक आते हैं ओपन ऑर्गन पाइप में सो एन वन इक्वल टू टू एन सो एन वन फर्स्ट इन टू टू क्या है सेकेंड हार्मोनिक ओके ओके बाजू में चलेंगे एन टू इक्वल टू थ्री एन सो एन टू क्या है सेकेंड ओरटोन तो थ्री क्या है थर्ड हार्मोनिक इसके कंसेप्ट मिलते हैं स्ट्रिंग से यानी ओपन ऑर्गन पाइप मिलता जुलता है स्ट्रिंग से क्योंकि हारमोनिक ओरटोन उसकी मिल रही है जैसे मैंने स्ट्रिंग में बात किया था ना सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओरटोन इसी तरीके से है पाइप में भी है सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओरटोन थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओरटोन ठीक है सो so, आगे बढ़ेंगे हम क्लोज होगा हम पाइप में आ जाते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिला पहले एन मिला बाद में एन वन निकाला हमने बाद में एन टू निकाला एन में क्या मिला फर्स्ट हारमोनिक एन वन में क्या मिला थर्ड हारमोनिक एन टू में क्या मिला फिफ्थ हारमोनिक सो एन वन इज टू एन वन इज टू एन टू इक्वल टू वन इज टू थ्री इज टू फाइव तो यहाँ पे कैसे हारमोनिक मिले ओनली ऑड ओनली ऑड हारमोनिक ऑपटेन तो बाजू में आ जाएंगे स्मॉल एन है वो ठीक है वहां पे कैपिटल एन हो गया है वो गलती से ठीक है स्मॉल एन इज टू एन वन इज टू एन इक्वल टू वन टू टू इज टू थ्री एन में क्या आएगा वन फर्स्ट हार्मोनिक हमेशा फंडामेंटल होता क्या है फर्स्ट हार्मोनिक एन वन सेकेंड हारमोनिक ओपन ऑर्गन पाइप में आ रहे हैं हम ठीक है ओपन ऑर्गन पाइप का पढ़ रहे हैं एन टू थर्ड पे क्या हुआ इन एज वेल एज आर हारमोनिकेन तो अगर आप स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप कोई भी पेपर सेट निकाल लो कोई भी पेपर पिछले दस सालों के पेपर उठा के देख लो यही दो क्वेश्चन आपको रिपीटेडली दिखेंगे थेरी प्लस न्यूमेरिकल इवन एंट्रेंस एग्जाम में टॉपिक वेरी मोस्ट आईएमपी है है 99 चांसेस कि हर साल एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है सो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे ओके सो हम बात करते हैं ये एन वन एन टू कैसे आ रहा था सो हमने क्या किया एन पी यूज कर लिया टर्म ठीक है एनपी टू पी एस टू एन वन की वैल्यू क्या आएगी पी की वैल्यू क्या आएगी वन इज टू थ्री टू फाइव ये नंबर है अब एन नहीं ले सकते थे आपको पता है एन तो फ्रीक्वेंसी के लिए चला गया तो हमने अपने मन से कोई नंबर के लिए टर्म ले ली P। सो so, यहां पे क्या हो रहा है जो P है ना ये ऑड चल रहे हैं और ऑड कैसे निकालते हैं 2P प्लस वन So, आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओ टोन कैसे बन जाएगी एन पी इक्वल टू टू पी प्लस वन इन टू वी अपॉन फोर एल दैट इज एन पी इक्वल टू अब कैपिटल एल को हटाएंगे एल प्लस स्मॉली लगाएंगे एक एंड है तो क्लोज ऑर्गन पाइप दो एंड है तो डबल ओ पी ओपन ऑर्गन पाइप ठीक सो so, अगले इसमें चलेंगे तो अगले इसमें आप देखेंगे कि ये तो आपको कंप्लीटली पांच पांच चार चार मार्क लिए आता ही है ठीक है यानी चार मार्क इधर और बाजू में चार मार्क यानी एक ही इसमें आपको आठ मार्क मिल गए एक्स्ट्रा के पॉइंट पड़ेंगे इंट्रेंस एग्जाम में आपके थोड़े से एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं एम एस बोलो जेई नीट बोलो एमसीक्यूज के टर्म के हिसाब से हम आगे का देखते हैं तो चलिए आगे देखते हैं ओके सो पॉइंट नंबर फिफ्थ आप देख रहे हैं भले ही यहाँ पे पॉइंट आपका नंबरिंग के हिसाब से फिफ्थ है बट आपको पता है ये काफी इंपॉर्टेंट है थेरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए या फिर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए सो एन सी इक्वल टू क्या होगा एनओ अपॉन टू और एल सी इक्वल टू क्या होगा एल ओ अपॉन टू कैसे पता चला आपके रिलेशन से पता चला आपको पता है एन सी इक्वल टू क्या है वी बाय फोर एल और एनओ no क्या है वी अपॉन टू एल तो रिलेशन यही बनता है पांचवा पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा ओके okay, पॉइंट आपको फॉर्मूले से याद हो जाएगा जो कि आपको पता है वी की वैल्यू क्या होती है अंडरू टी बाय स्मॉल एम स्मॉल एम की जगह पे लगा सकते हैं सातवा पॉइंट एन वन माइनस एन टू है ऑब्वियसली दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या होता है बीट फ्रीक्वेंसी अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में बट अभी के लिए आप ध्यान में रखो दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या होता है बीट फ्रीक्वेंसी जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे या तो मैं एक्स से डिनोट करूंगा कुछ भी सिंबल ले लो बट कंसेप्ट ध्यान में रखो सो so, यहां पे ऐसा है कि एन वन मान लिया हमने कि एन वन बड़ा है और एन टू छोटा है बाजू में आपको सिंह समझ गया होगा एन और एल आपस में इनवर्सली है ठीक है सो एन वन मान लो फिफ्टी हर्ड है और एन टू मान लो फोर्टी नाइन हर्ड है ये स्लाइट डिफरेंस होता है बीट फ्रीक्वेंसी के लिए ठीक है एन वन माइनस एन टू इक्वल टू क्या कर लो तो एल टू माइनस एल वन आ जाएगा अपॉन मे प्रोडक्ट एल टू माइनस एल वन अपॉन एलशियम दे रहे पूरा एल टू माइनस एल वन अपॉन एल वन इन टू एल टू सिमिलरली बाजू में भी मैथमेटिक दिया है सो so, ये ओपन ऑर्गन पाइप में हम देखेंगे तो आपको सिमिलर दिखेगा बट फोर की जगह पे टू दिखेगा अरे टेक्निक है, ट्रिक है ट्रिक से याद रखो कैसे कितने एंड है दो दो एंड है तो टू ठीक है दो एंड है तो टू अरे कितने ओ है दो ओ है ना डबल ओ पी पी है ना ओ ओ पी। तो दो ओ तो दो टू लगेगा तू, डबल ओ तू, तू, तो एंड भी टू है तो याद रखने के लिए आसान जाएगा ओके तो आठवां पॉइंट नाइन पॉइंट एक साथ देख लेंगे इसके साउंड की क्वालिटी क्या होती है पूर होती है काफी खराब साउंड क्वालिटी होती है और यहाँ पे फेस चेंज कितना होता है 180 डिग्री यानी कि क्या कंप्रेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगा कंप्रेशन की तरह और रेयर फैक्शन रिफ्लेक्ट होगा रेयर फैक्शन में ये ट्रांसवर्स की तरह नहीं है जहां पर क्रेस्ट आपने पढ़ा था ये लॉन्जिट्यूडनल है ध्यान रखिएगा ये बात को 180 डिग्री में क्या होता है कंप्रेशन रेयर फैक्शन नहीं बनेगा दसवें पॉइंट की बात चल रही है कंप्रेशन क्या बनेगा कंप्रेशन ठीक है लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है सेम में वन डिग्री का होता है और ट्रांसफर्स में क्या होगा सेम में क्रेस्ट क्रेस जीरो डिग्री ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना है अब ये क्या है आपने अगर पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ गया होगा टेंथ पॉइंट एक्स्ट्रा टर्म में दिया है सो आई होप ये थेरी आपको याद करना है आप उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में थेरी भी आती है काफी अच्छे से मैंने आपको ये नोट दिया है डिफरेंस में अगर आप कहीं भी नोट्स देखोगे तो काफी डिटेल में दी गई है और पैराग्राफ वाइज दी गई है मैंने सभी डिटेल एक ही बार में उठा के सिंपल तरीके से डिफरेंस में आपको समझा दिया है ठीक है डबल ओ पी की बात करेंगे साउंड बहुत ही अच्छा होता है और क्वालिटी साउंड होता है प्लीजेंट साउंड होता है और फेस कितना होता है जीरो डिग्री से लॉन्जिंग ट्यूबल ऑब्वियसली जीरो डिग्री में सेम नहीं होगा जीरो डिग्री में क्या होगा कंपरेशन रिफ्लेक्टेड रेयर एयरफेक्शन और रेयर फैक्शन रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन अब ग्यारहवें पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे नोड आपको पता है कहाँ मिली थी लैमडा बाई फोर थ्री लैमडा बाई फोर फाइव लैमडा बाई फोर आपको पता है ये एक्स क्या है आपको डायग्राम से दिख जाएगा फर्स्ट मोड सेकेंड मोड थर्ड मोड तो पहला क्या है four, 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 so आपको पता चल गया होगा इवन सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम बाय फोर में नोड मिलेंगे और बाजू में हम चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा हाँ हमको नोड कहा मिलेंगे वन लैम डबाई फोर थ्री लैम डबाई फोर फाइव लैम फोर सो ये मिलेंगे आपको नोड ठीक है अब आप डायग्राम चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब अगला क्या दिया मैंने शो दैट दिया है बड़े शो दैट शॉर्टकट में नहीं करेंगे लॉन्ग कट करेंगे तो क्या होता है एंड करेक्शन पहले वही देखेंगे ठीक है सो एंड करेक्शन क्या होता है सो एंड करेक्शन ये डिस्टेंस होता है किसका एंटी नोड का ओपन एट से सो द डिस्टेंस ऑफ एंटी नोड फ्रॉम द ओपन एंट इज कॉल्ड एज इन करेक्शन जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.6 ऑफ डायमीटर और डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस आर डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल तो ई इक्वल टू 0.6 सिक्स आर होता है आप डायग्राम से देख सकते हैं आप ओपन ऑर्गन पाइप है दोनों एंड ओपन है तो दो साइड में एंड करेक्शन रहेंगे तो हम लगाएंगे ई प्लस ई डबल ओ है तो टू लगा दो एक ही ओ है तो एक ई लगा दो ओके आई होप कि आपको डायग्राम से काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो थेरी भी याद रखो डायग्राम भी समझ के रखो ओके सो प्रूफ करना है ये प्रूफ मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ ये प्रूफ आप खुद से ट्राई करेंगे और कोई दिक्कत आती है तो आप बताएंगे प्रूफ ऐसा कोई टफ नहीं है ये छोटी सी बात है जो आपको समझ जाएगी मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ठीक है ओके सो पहला पहला रेजुनेटिंग लेंथ है एन वन और दूसरी रेजुनेटिंग लेंथ है एन टू क्या है हमने क्या किया ट्यूनिंग फोर फिफ्टी हर्ड वाली और एक ट्यूनिंग फोर्क लिया हमने 52 टू वाली दो डिफरेंट तरीके की ट्यूनिंग फोर्क है जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो दो टाइप के हमको रेजनेंस मिलेंगे पहले रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी n1 होगी दूसरे रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी n2 होगी n बदलेगा तो l भी बदलेगा और n2 बदलेगा तो l2 बदलेगा तो ऑब्वियसली हमको ये n1 वन एन मिलेंगे तो इस तरीके से आपको ध्यान में रहेगा V का क्या होगा सेम होगा क्योंकि मीडियम नहीं बदल रहा है यहाँ पे N और L ही चेंज हो रहा है ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको स्टेट बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम में एनसीआर में भी मिल जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कैसे ये प्रूफ आया ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं आप पर आपको ये प्रूफ खुद से करके देखना है दो मार्क का प्रूफ एक साइड में दो मार्क का प्रूफ दूसरे साइड में जो पहला प्रूफ है वहां पर आप देख सकते हैं टू नहीं है तो ये ओपन ऑर्गन पाइप के लिए था और दूसरा प्रूफ जो बाजू में है ये क्लोज ऑर्गन और सॉरी यहाँ पे क्या हो गया जो पहला प्रूफ है अभी आप डायग्राम से मत जाना यहाँ पे ओपन डायग्राम में ओपन पाइप है और नीचे प्रूफ है क्लोज ऑर्गन पाइप का और यहाँ पे क्या है डायग्राम में क्लोज पाइप लिखा है लेकिन नीचे प्रूफ क्या है ओपन ऑर्गन पाइप का तो मैं बता देता हूँ ये किसकी बात है ये इसकी बात है आपको ये समझ गया होगा डिफरेंस आप इसको ऐसे ध्यान में रखो हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में तो आज के लिए इतना ही बाकी का नेक्स्ट टाइम थैंक यू